नमस्कार, मैं हूं जयवीर पुंडीर और आप देख रहे हैं पर्वत जन। आज के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर डीएन भट्ट जी, हल्द्वानी से हैं, और आप लगातार इनको अपनी फेसबुक पर देखते भी होंगे। एक कार्यक्रम कर रहे हैं इस समय, द टीचर शो, और आज इसका 106 एपिसोड अच्छा हैं लगातार। जी, 106 एपिसोड हो चुके हैं। तो आप लगातार ऐसे मंच आपने दिया है शिक्षकों को, जो लगातार आप उस पर काम कर रहे हैं शिक्षा क्षेत्र में, और ऐसे लोगों को अपने मंच पर लेके आ रहे हैं, तो आप बहुत बधाई के पात्र भी हैं। और प्रवचन आपका बहुत बहुत स्वागत करता है और आपके कार्यों की सराहना करता है, और जितने तमाम दर्शक आपको देख रहे हैं हमारे साथ में, वो भी उनकी ओर से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सर, जी, आप धन्यवाद एक जी, धन्यवाद। शिक्षक, जी, एक आप शिक्षक भी हैं और रंगकर्मी भी हैं और साहित्यकार भी हैं। साहित्यकार इसलिए आपने बहुत सारे गीत लिखे और आपने कई गजलें भी लिखी, कई भाषाओं में उनका अनुवाद भी हुआ, ऐसे भी आपके गीत हैं। और आप लगातार नाटक से जुड़े रहे हैं, नुक्कड़ नाटक से जुड़े रहे हैं और स्टेज से जुड़े रहे हैं, और फिल्मों में भी आपने काम किया है। तो थोड़ा सा अपनी शुरुआती दिनों की बात बताइए कि आप मूलभूत कहाँ से आते हैं, हल्द्वानी में या नैनीताल जिले में किसी गांव से हैं, और किस तरीके से आपकी शिक्षा हुई। तो थोड़ा सा जो आपका सफर रहा है जीवन का, उसके बारे में बता दीजिए दर्शकों को। धन्यवाद पुनीर जी, आपका आभार। आपने शो में मुझे आमंत्रित किया। सबसे पहले पर्वजन परिवार का आभार कि उन्होंने जी मेरे कामों को नोटिस किया और मुझे यहाँ पर आने का मौका दिया। जहाँ तक मेरे प्रारंभिक जीवन का सवाल है, तो मैं नैनीताल जनपद के उखलकरणा विकासखंड का रहने वाला हूँ। वहाँ पर जी जड़गांव जी और डालगंडिया दो गाँव हैं। दोनों जगह हमारी परिवार की बसासत है और हम कई पीढ़ियों से वहाँ के रहने वाले हैं। मेरे पिताजी पोस्ट ऑफिस में क्लर्क थे और मैं लगभग सन 1998 से सेवा में हूँ, शिक्षा विभाग में हूँ उत्तराखंड में। और जहाँ तक पढ़ाई की बात है, तो मैं भी, हम सब लोग, हमारे आसपास की उम्र के जो लोग हैं, सब सरकारी स्कूलों से ही पढ़े हैं। और बिल्कुल जी निखाले जो एकदम गांव का जो पहाड़ का बैकग्राउंड है, वहीं से मैं हूँ। और मैं आपको बताऊं जी कि आज हम इस युग में है कि आप देहरादून में बैठे हैं, मैं हल्द्वानी में बैठा हूँ, हम बात कर रहे हैं जी और जी दुनिया देख रही है। लेकिन अब जी से जी 20-30 साल पहले हम जब बचपन में थे, तो हमने कभी टेलीफोन का भी नाम नहीं सुना था। उस जी दौर में मैं जब प्राइमरी में पढ़ता था सर, तो मैं आपको बताऊं, मैंने याद के लिए, ये तख्ती है, ये अगर आप जी देख जी पा रहे हो, जी 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 मैंने इससे प्राइमरी एजुकेशन लिए, मैं खुद इसमें पढ़ता था, मैंने संभाल के रखी है याद के तौर पर। जी जी बहुत अच्छी बात ये है। इसलिए जी इसलिए संभालिए कि हम अपनी जड़ों से कट है। ये एक जी तरह से हमारी एक विरासत है, ये तख्ती। तो इसमें जी हमने कमेट, एक एक पहाड़ में मिट्टी होती थी सफेद रंग की, जिसको कमेट बोलते हैं, और रिंगाल के जो डंडी होती है उसको छिल के उससे हम इसमें डुबा डुबा के जी बिल्कुल कलम दवात में लिखा करते थे। वहां से प्राइमरी एजुकेशन जी और जी धीरे धीरे सबकी तरफ मैं सरकारी स्कूलों से पढ़ा और बढ़ता बढ़ता यहाँ तक हूँ, आपके सामने हूँ। जी सर, ये भी जानना चाहेंगे, जैसे आप, एक तो आपकी पर्सनालिटी इस टाइप की है ना, एकदम अट्रैक्ट करती है। आपकी जो पगड़ी है और ये जो आपकी टोपियां हैं, मूछें हैं, ये सब मतलब एकदम आकर्षित करने वाली है, कि आपकी फोटो देखते ही लगता है कि नहीं, आप कुछ ना कुछ विशेष ही हैं। तो दर्शकों से ये जानना चाहेंगे, आप सरकारी टीचर भी रहे हैं या अभी भी आप सेवा में हैं सरकार की, और किस तरीके से आप नाटकों से जुड़े हैं, और ये जो आप लगातार गीत लिखने का और गाने का, और जो आप फिल्मों में तक पहुंचे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि कौन कौन सी फिल्में आपने की हैं, किस तरीके के गाने आपने लिखे हैं। जी 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 पुनीत जी, ये बहुत सारे सवाल एक साथ हो गए। मैं कोशिश करूंगा कि जी कोशिश सबका जवाब दे सकूं। करिए अगर सर। कहीं पर भूलूंगा तो आप मुझे याद दिलाएंगे कि ये चीज छूट रही है। सबसे पहले नाटक की बात करते हैं सर। अगर नाटक की बात करें तो मुझे, जब मैं छोटा था, जूनियर स्कूल में पढ़ता था, 6, 7, 8 में, तब से मुझे नाटकों का शौक था। लेकिन मार्गदर्शन नहीं था, कोई गाइड करने वाला नहीं था, तो केवल देखने तक ही वो शौक उस दौर में सीमित रहा। रामलीलाएं बचपन में खूब देखी, उसके बाद पहाड़ में भी और हल्द्वानी में भी।
उसके बाद जब मैं कॉलेज में आया तो फिर थोड़ा सा वातावरण मिला इंटर कॉलेज में आने के बाद। मैं एमए इंटर कॉलेज में सांस्कृतिक परिषद का अध्यक्ष रहा, और वहाँ एक पत्रिका आती थी बच्चों की, पराग, आपने भी शायद अपने बचपन में पढ़ी हो। तो उसके एक अंक में एक नाटक आया था बच्चों का, लॉर्ड एंटोनियो झप्पू डी फुंसी का कोर्ट, मुझे अभी भी नाम याद है। तो वो नाटक हमने अपने 12वीं कक्षा में जब मैं था तो हमने अपने स्कूल में मंचन कराया था उसका। बहुत व्यंगात्मक नाटक था, हास्य व्यंग का। तो उसके बाद कॉलेज में गए, वहाँ भी मैं सांस्कृतिक परिषद में सचिव रहा डिग्री कॉलेज में, और तमाम सारी प्रतियोगिताएं कराई, तमाम सारे फेस्टिवल्स कराए। वहाँ भी मैं नाटकों से, लोकगीतों से, लोक नृत्य से जुड़ा रहा और बहुत सारी संस्थाओं के साथ सीखता रहा। उसके बाद मुझे याद है 91 या 92 में पिथौरागढ़ में कुमाऊं विश्वविद्यालय की पहली अंतर महाविद्यालय सांस्कृतिक प्रतियोगिता हुई। तब ये राकेश शर्मा साहब जो अभी सेक्रेटरी हमारे रिटायर हुए, तब वो डीएम पिथौरागढ़ हुआ करते थे। तो वहां मेरे निर्देशन में एक नाटक गया, असगर वजाहत साहब का लिखा हुआ नाटक था, सबसे सस्ता गोश्त। और उसमें पिथौरागढ़ से एहसान बख्श थे, डॉक्टर एहसान बख्श, प्रसिद्ध रंगकर्मी जो मुंबई में है, फिल्म और टेलीविजन के लिए लिखते हैं, एक्टिंग करते हैं। उन्होंने आवारा मसीहा किया था, विष्णु प्रभाकर की जो जीवनी है। तो हमने असगर वजाहत का नाटक सबसे सस्ता गोश्त वहां पर किया था। उसके बाद फिर कॉलेज के निकल के फिर तो रोजगार का संघर्ष, तमाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, आंदोलनकारी भी मैं रहा उत्तराखंड आंदोलन में, बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया, पुलिस की लाठियां खाई, तमाम तरह के अर्जी फर्जी मुकदमे भी झेले, वो सब भी किया कई सालों तक। बेरोजगारों की लड़ाई लड़ी, बीएड बेरोजगारों की लड़ाई लड़ी, बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, तमाम तरह के आंदोलनों में सक्रिय रहा। जहां भी मुझे लगा कि जनता के साथ अन्याय हो रहा है, ठीक से काम नहीं हो रहा, तो वहां हम कूद पड़े, हमने कुछ नहीं देखा आगे पीछे। और उसके बाद फिर 1998 में मैं नौकरी में आया सर। तो उसके बाद से मैं थोड़ा सा, फिर जब रोजी रोटी की चिंता थोड़ा खत्म हुई, तब मैं रंगमंच में ज्यादा शिद्दत से गया। इधर श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम ने कम्युनिकेशन पर एक वर्कशॉप कराई थी 99 में, उसमें हमारे नरेंद्र सिंह नेगी जी हैं आदरणीय, श्री डोभाल जी हैं, अतुल शर्मा जी हैं, गिरदा हैं, DR पुरोहित साहब हैं, इन सब बड़े बड़े लोगों से परिचय हुआ, इनसे सीखने का मौका मिला। वहां से मैं थोड़ा सा फिर गया, फिर हमने 2001 में सेलनेट की स्थापना की हल्द्वानी में आदरणीय श्री डोभाल जी के साथ मिलके, जिन्हें मैं अपने रंगमंच का गुरु भी कहता हूँ, वो है भी। 2001 में हमने एक 40 दिन की कार्यशाला की, तो जिसमें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD दिल्ली के तमाम सारे एक्सपर्ट आए, और उन सबके साथ मिलकर हमने 3 कहानियों का मंचन किया, 2 दुखों का एक सुख, जो शैलेश मटियानी साहब की चर्चित कहानी रही है, रावी पार साहब की कहानी रही है, और घर कहाँ है बटोरी जाई थी की कहानी है। तो उन कहानियों का हल्द्वानी और आसपास के गांवों में, स्कूलों में मंचन किया, नैनीताल में मंचन किया। और फिर उसी साल हमें मौका मिला भारत रंग महोत्सव, जो नेशनल फेस्टिवल होता है, इंटरनेशनल फेस्टिवल है, नेशनल भी नहीं, दिल्ली में, उसमें हमारी कहानियों का मंचन हुआ। तो वहां से सिलसिला शुरू हुआ, फिर तमाम सारे नाटक किए, मुआवजे है, बहुत लंबी लिस्ट है। हर साल ही हम बच्चों के लिए और बड़ों के थिएटर वर्कशॉप करते रहे हल्द्वानी में, और मैंने हल्द्वानी के अलावा रामनगर में वर्कशॉप किया, थिएटर वर्कशॉप किया, रुद्रपुर में किया, सितारगंज में किया, रानी ये अपना स्कूल है सैनिक स्कूल वाड़ाखाल में किया, जवाहर नवोदय विद्यालय नैनीताल में किया, और कई स्कूलों में इस तरह के वर्कशॉप्स किए, बच्चों को रंगमंच से जोड़ा, बड़ों को रंगमंच से जोड़ा, और लगातार ये कोशिश आज भी जारी है। हमारे जो साथ जो युवा साथी जुड़े रहे, वो लगातार कुछ काम कर रहे हैं, कुछ मीडिया में हैं, कुछ फिल्मों में हैं, कुछ टेलीविजन में हैं, कुछ रंगमंच कर रहे हैं। तो रंगमंच की ये यात्रा रही सर। और देहरादून में कई बार आया मैं फेस्टिवल्स में नाटक लेकर के, ठुलछलिया हमारा एक बड़ा प्रसिद्ध नाटक था जो कुमाऊनी में किया था, अखिल गढ़वाल सभा ने फेस्टिवल कराया वहाँ कई बार, तो उसमें मेरा मेरा निर्देशित किया हुआ नाटक कुली बेलाल वहाँ आया, ठुलछलिया वहाँ आया। इसके अलावा दिल्ली के बहुत सारे फेस्टिवल्स में मैं अपने नाटकों के साथ गया। एक और मैं भारत सरकार की जो कल्चर मिनिस्ट्री की बहुत सारी संस्थाओं से मैं जुड़ा रहा, जिसमें से CCRT एक प्रमुख है, जिसे सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र कहते हैं, जो देश भर में शिक्षकों और बच्चों को संस्कृत से जोड़ने का काम करता है। तो मैं 2007 से पिछले साल तक लगातार उसका डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन रहा, और उसके अंतर्गत भी मैंने कम से कम 50 कार्यशालाएं की, जिनमें मैंने भी प्रतिभाग किया एज ए ट्रेनर, एज ए ट्रेनी, और हजारों शिक्षकों को देश के विभिन्न हिस्सों में भेजा। मैं खुद भी देश के लगभग सारे राज्यों में तमाम तरह की यात्राओं में गया। आज अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक दिवस है, राष्ट्रीय पर्यटक दिवस है, सितम्बर। मैं पर्यटन में भी डिप्लोमा धारी हूँ, और मैंने कुमाऊं विश्वविद्यालय टॉप किया था जब मैंने डिप्लोमा किया था।
और 22 सालों तक मैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में पर्यटन का काउंसलर भी रहा हूँ। तो पर्यटन और साहसिक पर्यटन मेरी एक बहुत प्रमुख हॉबी है, तो मैं उसमें भी पूरे देश दुनिया में घूमता रहता हूँ, बहुत सारी यात्राएं करता रहता हूँ। उसमें सांस्कृतिक यात्राएं भी होती हैं, उसमें पद यात्राएं भी होती हैं, उसमें और भी तरह की यात्राएं, कई तरह की यात्राएं होती हैं। तो रंगमंच की कहानी ये थी कि तब से शुरू हुई जो अब तक सफर जारी है। ये तो मोटा मोटी बहुमुखी बहुमुखी प्रतिभा है आप, कुछ दर्शक भी लिख रहे हैं कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी है भट्ट साहब। तो भट्ट साहब ये भी बताइए कि जो फिल्में हैं, जो आपके द्वारा अभिनीत फिल्में हैं, उनके बारे में थोड़ा बताइए, क्या वो क्षेत्रीय फिल्में हैं या हिंदी फिल्में हैं, किस तरीके की फिल्में हैं? जी आपने अच्छा सवाल किया सर। मैं क्षेत्रीय फिल्मों में काम करने का सौभाग्य मुझे नहीं मिला, हालांकि कई लोगों ने मुझे ऑफर किया, लेकिन मैं माफे के साथ उनकी फिल्मों में काम नहीं कर पाया तमाम सारे कारणों से, जिनका मैं उल्लेख यहाँ करना नहीं चाहता। लेकिन दो फिल्मों में मैंने काम किया जो हिंदी फिल्म है, बड़ी फिल्म है, और जो लगभग एक दर्जन यानी कि लगभग 12-13 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में चयनित हुई मेरे द्वारा अपनी फिल्में। उसमें एक शॉर्ट फिल्म थी आखिरी मनादी, यूट्यूब पे आप उसको देख सकते हैं, 15 मिनट की फिल्म है, वो लगभग 12-13 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में रही, डॉक्टर एहसान बख्श ने उसको निर्देशित किया। और दूसरी फिल्म भी मैंने उन्हीं के निर्देशन में की, अंडर द स्काई, वो बड़े पर्दे की फिल्म है, 1.5 घंटे की फिल्म है, पूरी बड़ी फिल्म है, हालांकि फिल्म बच्चों के लिए, कहानी बच्चों की है। उसमें मैंने किरदार किया और उसको प्रोड्यूस करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसकी शूटिंग आपके मसूरी के आसपास हाथीपाव में हुई, आपके देहरादून के हमारे मित्र कैलाश कंडवाल जी भी उसमें हमारे साथ एक महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। तो वो फिल्म हमने उत्तराखंड के विभिन्न स्कूलों में जाकर के लगभग 50,000 बच्चों को प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखा चुके हैं और सब जगह उसकी बहुत सराहना हुई। ये फिल्म भी हमारी नीदरलैंड से लेकर जर्मनी और अमेरिका से लेकर तमाम देशों के जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह हैं उन सब में सेलेक्ट हुई और उसको सराहना मिली। बाकी मैंने एक छोटी फिल्म बनाई थी, शॉर्ट फिल्म 3 मिनट की, स्वच्छता के ऊपर, जो मैंने खुद ही लिखी थी, खुद निर्देशित की थी जी। उसका नाम बापू का गोलू है, वो भी यूट्यूब में उपलब्ध है हमारे चैनल पर। तो वो फिल्म उत्तराखंड में जब स्वच्छता पर आधारित कॉम्पिटिशन हुआ था तो उसमें द्वितीय पुरस्कार मिला था, तो उसके लिए मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय राज्यपाल ने 2 अक्टूबर 2017 या 2018 में सम्मानित भी किया था देहरादून में। बाकी मैं अभी कुछ टेलीविजन सीरियल्स के लिए कुछ गीत लिख रहा हूँ और बहुत सारे गीत हैं और बहुत सारे काम है, तो फिल्मों में मैंने इतना ही काम किया। फिल्मों में इतना ही काम किया है। अगर गीतों की बात करें, एक गीत आपका 16 भाषाओं में अनुवादित हुआ है, तो जी, वो जी। गीत थोड़ा सा आप उसके बारे में बताइए और थोड़ा दर्शकों को सुना भी दीजिए गुनगुना के, कि वो किस तरीके कौन सा गीत है जिसको 16 भाषाओं में अनुवाद किया गया। उस गीत की कहानी बड़ी रोचक है सर, थोड़ा सा मैं समय लूंगा उसको बताने में। वो जब मैंने जो शॉर्ट फिल्म मैंने बनाई थी बापू का गोलू स्वच्छता पर आधारित, तो उस पर वो गीत था, 6 लाइन का गीत था, 29 सेकंड का कुल गीत था वो। उसके बोल थे कि कूड़ा कचरा साफ करेंगे बापू हम, बीमारी को हाफ करेंगे बापू हम, गांव गली अपनी भी चमचम चमकेगी, ये सब अपने आप करेंगे बापू हम। बच्चे ये कह रहे हैं, गांधी जी से कह रहे हैं। तो ये गीत जब मैंने व्हाट्सएप पर अपने विभाग के प्रधानाचार्यों को, शिक्षकों को, तमाम लोगों को भेजा तो सबको बड़ा पसंद आया, लेकिन सबकी शिकायत यही थी यार, ये गाना तो इतना खूबसूरत है, सीधे बच्चों के और हमारे दिल पर उतरा, लेकिन ये शुरू होते ही खत्म हो जाता है क्योंकि 29 सेकंड का है कुल, तो इसको थोड़ा बड़ा लिखो। तो हालांकि वो कहना आसान काम है, लेकिन फिर किसी गीत को सही तरीके से लिखना और उसको रिकॉर्ड करना, ये तमाम इसमें पैसा समय सब कुछ चाहिए होता है। तो मैंने उस बात को सुना और फिर मैं उस पर काम नहीं कर पाया। उसके एक साल बाद मुझे थोड़ा फुर्सत हुई तो मुझे ध्यान आया कि उस गीत पर लोगों की डिमांड थी, तो मैंने वो गाना लिखा पूरा। उसमें 5 अंतरे 6 अंतरे लिखे और लिख के वो यहीं हल्द्वानी में रिकॉर्ड कराया। तो सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र, जो भारत सरकार में संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, उसके डायरेक्टर थे आदरणीय गिरीश चंद जोशी जी। तो मैंने जब उनको गीत सुनाया तो उनको गीत बहुत पसंद आया, तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब इस गीत को आप हमें दे दो, हम इस गीत को पूरे देश में पहुंचाना चाहते हैं, ये बच्चों के लिए बहुत, स्कूलों के लिए बहुत अद्भुत ये काम आपने किया है। तो मैंने कहा ठीक है सर। तो हम दिल्ली गए, हमें दिल्ली बुलाया गया और दिल्ली में दोबारा उस गीत की रिकॉर्डिंग हुई पूरे इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, हमारे यहीं हल्द्वानी के बच्चे हमारे साथ गए। और फिर वो गीत आपको याद होगा, अभी 2018 में मार्च के महीने में फ्रांस के राष्ट्रपति आए थे इमैनुअल मैक्रॉन, उनके साथ प्रधानमंत्री मोदी जी भी बनारस में गए हुए थे। तो हमारे उस गीत पर
200 बनारस के बच्चों ने कथक किया प्रधानमंत्री जी के और फ्रांस के राष्ट्रपति के समक्ष। तो वो गीत तब बड़ी चर्चा में रहा, राजा घाट पर उस पर बड़ा भव्य कार्यक्रम रहा। और उसके बाद फिर मिनिस्ट्री ने ये डिसाइड किया, कल्चर मिनिस्ट्री ने, कि इस गीत को भारत के हर राज्य के हर स्कूल तक पहुंचाया जाए। तो फिर दिल्ली में दो कार्यशालाएं हुई जिसमें देश के सारे राज्यों से शिक्षक और संगीतकार बुलाए गए और उस गीत को 16 भाषाओं में अनुवाद किया गया, जिसमें तमिल, तेलुगु, हिंदी, हिंदी तो था ही था, तमिल, तेलुगु, अंग्रेजी, संस्कृत, कन्नड़ा, मलयालम, उड़िया, असमी, पंजाबी, बांग्ला, कश्मीरी, ये भाषाएं थी तमाम। और तो इसमें दक्षिण की गुजराती में राजस्थानी भी थी साथ में। तो इन भाषाओं में ये थोड़ा अनुवाद सा हुआ। जी जी, थोड़ा सा गुनगुना के आप बताइए कि गीत किस मैं गायक तरीके नहीं हूँ से। पंडित साहब, लेकिन मैं नहीं नहीं उसके फिर भी बोल कोशिश आप, कीजिए। जी, कूड़ा कचरा साफ करेंगे बापू हम, बीमारी को हाफ करेंगे बापू हम, गांव गली अपनी भी चम चम चमकेगी, ये सब अपने आप करेंगे बापू हम, कूड़ा कचरा साफ करेंगे बापू हम, बीमारी को हाफ करेंगे बापू हम। इस तरह से ये गीत था। तो इसमें वाह मैंने वाह, जो स्वच्छता के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, ये तो मुखड़ा था इसका, इसमें जितने जी भी कॉन्सेप्ट हैं स्वच्छता के, जैसे आपके हाथ खाने से पहले हाथ धोना, नदियों की सफाई, पेड़ लगाना, पॉलीथीन का उन्मूलन करना, गंगा नमामि गंगे प्रोजेक्ट है, जितने भी जी प्रधानमंत्री खुले में शौच न करना, ये सब एक एक अंतरे में हमने लिए। तो इसलिए गाना लोगों की एकदम जुबान पर चढ़ गया था। और हमारे डॉक्टर हरी जोशी हमारे मित्र हैं, उन्होंने बहुत ही कर्णप्रिय इसकी धुन बनाई है, कमाल का अच्छा। गाना बना। हाँ, कमाल का गाना बना, तभी इतना फेमस हुआ है। तो जी आपसे इस तरीके की चर्चा हुई, साहित्य में आप लगातार अपना योगदान दे रहे हैं। तो अब अगर हम बात करें उत्तराखंड की, आप चूंकि आंदोलनकारी भी रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं उत्तराखंड में जो साहित्यकार हैं या जो क्षेत्रीय भाषाओं को लेकर काम कर रहे हैं, कलाकार हैं, लोक कलाकार हैं, किस तरीके से उनके भविष्य को आप देखते हैं, यहाँ पर उनका भविष्य कितना है, सरकारें क्या सही तरीके से उनको प्रोत्साहित कर पा रही हैं या नहीं कर पा रही हैं, कहाँ खामियां देखते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है सर, क्योंकि हमारा लोक है तो हम है, लोक भाषा है तो हम है। और लोक भाषाओं में अगर हम बात करें तो खासकर हमारे यहाँ जो तीन चार प्रमुख भाषाएं हैं, जिसमें कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी, ये थरुआट वगैरह, थरुआट तो खत्म हो गई है करीब करीब, जो हमारे खटीमा क्षेत्र में बोली जाती है, तो वहाँ थरुआट में बोलना लगभग खत्म हो गया, हिंदी में ही बोलते हैं सारे लोग। तो कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले 20-30 साल बाद कुमाऊनी और गढ़वाली बिल्कुल में बोलना बिल्कुल हमको ढूंढना पड़े। जिस तरह से ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, अंग्रेजी का प्रसार हो रहा है, और हिंदी तो खैर अपनी जगह है ही है, तो कुमाऊनी और गढ़वाली को प्रचार प्रसार के लिए बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही हैं। और बहुत खुशी की बात है कि उत्तराखंड जब से बनाया है तब से इस क्षेत्र में और जागरूकता आई है। और केवल उत्तराखंड में ही नहीं, हमारे महानगरों में, दिल्ली में, मुंबई में, दुबई जैसी जगह में, न्यूयॉर्क जैसी जगह में हमारे उत्तराखंडियों की संस्थाएं हैं, जो हमारे कलाकारों को बुलाती हैं, वहां पर कार्यक्रम रखती हैं, उत्तरायणी महोत्सव मनाती हैं। ये बहुत अच्छा है। और खासकर जब से ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया है, जिसे हम अल्टरनेट मीडिया भी कह सकते हैं, फेसबुक है, बिल्कुल ट्विटर है, तो उससे क्या हुआ है कि अखबारों पर और टेलीविजन चैनलों पर निर्भरता खत्म हो गई है करीब करीब। निर्भरता, बिल्कुल सही बात, तो आप बिल्कुल जिसका जिसको इच्छा है उसने अपनी गढ़वाली में कविता लिखी और फेसबुक में लाइव कर दी, यूट्यूब में डाल दी, तो ये बहुत अच्छा है कि हमारी संस्कृति को जीवित रखने के लिए हम लोग इन टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, संस्थाओं का जहाँ तक बात है, बहुत सारी संस्थाएं सर, कोई गिनती नहीं है, धात से लेकर के, कुमाऊं परिषद से लेकर के, गढ़वाल सभा से लेकर के, हमारी संस्था सेलनेट है, और बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारे संस्कृति कर्मी हैं, आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जी हैं, अतुल शर्मा जी हैं, उधर DR पुरोहित जी हैं, राकेश भट्ट जी हैं, इधर हमारे कुमाऊं में भी बहुत सारे हैं, भटरोही जी हैं, तमाम अल्मोड़ा में तो एक पूरी लंबी लिस्ट है। ये सारे लोग अपनी अपनी भाषाओं में काम कर रहे हैं, अपने अपने, जैसे ये कार्यक्रम चल रहा है आपका, तो इस तरह के बहुत सारे कार्यक्रम हमारे कुमाऊनी और गढ़वाली को लेकर के भी आ रहे हैं। ये बड़ी खुशी बिल्कुल की आ बात रहे है। हैं। मैं आपको बड़ा रोचक जी किस्सा बताऊं कि मैं एक शो कर रहा था, द टीचर शो का एक एपिसोड था, जिसमें मेरा गढ़वाल के शिक्षक थे, तो वो जी गढ़वाली भाषा में गीत सुना रहे थे, गढ़वाली में बात कर रहे, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा था।
अभी हमारा जो स्वयं वो पूरे देश और दुनिया के टीचर्स देखते हैं, तो कुछ लोगों ने हिंदी में भी सवाल किए, तो कोई एक जी दर्शक जी थे जो शायद पहली बार आए थे, तो उन्होंने लिखा कि इसमें गढ़वाली के अलावा कुछ नहीं लिखे। तो मतलब आप समझ रहे हैं कि कितने कितने हम अपने भाषा के प्रति कितने आग्रही हो रहे हैं, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल हमें आग्रही होना होगा, दुराग्रही नहीं होना होगा, बिल्कुल दोनों में बड़ा बिल्कुल फर्क है। आग्रह से जब हम दुराग्रह की ओर जाते हैं तो वहां गड़बड़ हो जाती है। हम सारी भाषाओं का सम्मान करते हैं। हम अगर कुमाऊं में हैं तो इसका यह मतलब नहीं कि हम गढ़वाली का सम्मान न करें, या हम पंजाबी का सम्मान न करें, या बांग्ला का सम्मान न करें। हमें सारी भाषाओं का सम्मान करते हुए अपनी भाषा को बचाना है, बढ़ाना है। बिल्कुल अगर सही हमारी बात है, सही भाषा में हम बात काम करेंगे तो निश्चित रूप से भाषा आगे बढ़ेगी। है। आपका सवाल का जो अगला हिस्सा था कि वो सरकारों का मामला, तो ये जी जी बड़ा हमारे साथ सर क्या है, उत्तराखंड में जिस जिस अवधारणा को लेकर हमने लड़ाई लड़ी थी उसमें संस्कृति सबसे ऊपर थी, बिल्कुल क्योंकि उत्तर बिल्कुल प्रदेश बहुत बड़ा था और हमारी संस्कृति को वहां जगह नहीं मिल पाती थी लखनऊ में। तो आपको याद सही होगा बात हमने नारा सही लगाया बात था कि कोंदा झंगोरा खाएंगे उत्तराखंड बनाएंगे, तो कोंदा और झंगोरा हमारी संस्कृति के प्रतीक है, मडुआ हमारी संस्कृति का बिल्कुल प्रतीक है। बिल्कुल वो केवल अनाज नहीं है, वो हमारी संस्कृति के जी प्रतीक है। लेकिन दुर्भाग्य से जिस स्तर तक हमने सोचा था, हमारे आंदोलनकारियों ने सोचा था, संस्कृति के मामले में हम उस स्तर तक नहीं पहुंचे। क्योंकि मुझे याद है एक बार उत्तराखंड कला संस्कृति साहित्य कला परिषद बनी थी 2007-08 जी में, जब माननीय तिवारी जी मुख्यमंत्री थे, तो सबसे जी पहले यशोधर मठपाल जी उसके उपाध्यक्ष रहे, फिर जहूर आलम साहब रहे, लेकिन उसके बाद फिर वो परिषद कहाँ गई, कौन से ढेर में गई, पता नहीं चला आज तक। और उसके बाद जितने भी सरकार आए, जितने भी शासन आए, तो संस्कृति जो है सबसे अंतिम पायदान पर रही प्राथमिकता में। और जी एक जी जबकि हमारे पहले माननीय पायदान नेता, पे होना चाहिए। सही बात हाँ, एक हमारे माननीय नेता जी ने तो कह भी दिया कि ये सब फालतू समय के काम है, और इस तरह के स्टेटमेंट दिए, मैं नाम लेना उचित नहीं है। तो ये बड़ा दुख की बात है, क्योंकि जब तक हम अपनी संस्कृति को नहीं बचाएंगे तो राज्य बनाने का फायदा क्या है? क्यों हमने राज्य बनाया? इसलिए बनाया कि कुछ कुछ लोगों को जो है कुर्सियां मिल जाए बैठने के लिए, सिर्फ इसलिए नहीं बनाया ना। तो जी, एक चीज हमें मैं आपको रोकते बनाया हुए और बोला, सर माइक म्यूट कर दीजिए। जी। चीज मैं ये कहना चाहूंगा, क्योंकि से नई जनरेशन है, युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी बहुत सक्रिय है अलग तरीके से राजनीति को लेकर, तो युवाओं में बहुत ज्यादा रुझान है। लेकिन जो हमारी अपनी संस्कृति है, जो हमारी सभ्यताएं हैं, और जैसे हमारा परिवेश है, तो उन सब चीजों में उतनी रुचि नहीं है। खासकर साहित्य की अगर हम बात करें, तो साहित्य को लेकर भी अब वो रुचि दिखाई नहीं दे रही। गिने चुने लोग बचे हैं वो जो साहित्य का सृजन भी कर रहे हैं, और साहित्य कुछ लिख भी रहे हैं, गीत लिख रहे हैं अपनी भाषा में, लेकिन वो कुछ चंद लोग ही रहे हैं। लेकिन जो युवा पीढ़ी है, तो उस तरफ उनका रुझान दिखाई नहीं देता। और साहित्यकारों की अगर हम बात करें, गीतकारों की बात करें, तो वो केवल YouTube तक सीमित रह जाते हैं, या अपने जो भी उनके Facebook के पेज हैं उन तक सीमित रह जाते हैं। तो कोई इतना बड़ा प्लेटफॉर्म भी नहीं मिल पा रहा है, या उनको लोग देखना भी पसंद नहीं कर रहे, या बात सुनना भी पसंद नहीं करते। उस हिसाब से भी आप देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे युवा पीढ़ी को, जो खासकर हमारे उत्तराखंड, क्योंकि जो उत्तराखंड है वो देवभूमि है, इसमें कोई मतलब दो राय नहीं है, कोई मतलब ऐसी वो नहीं है। प्राचीन काल से, मतलब जब से सृष्टि की जो उत्पत्ति है, तब से ये देवभूमि है, और पूरा जो दुनिया है इस समय, वो सारी की सारी जो संस्कृतियां हैं वो यहीं से चली हैं, जो हमारी देवभूमि है उत्तराखंड। तो हमारी तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है अपनी संस्कृति को बचा के रखने की, जो भारतीय सभ्यता है हमारी और संस्कृति है, उसको तो हमें सबसे ज्यादा संजो के रखने की हमारी जिम्मेदारी, और हमारी जो युवा पीढ़ी है उसकी भी जिम्मेदारी है। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे युवा पीढ़ी को, कि वो किस तरीके से साहित्य में रुचि लें, और किस तरीके के साहित्य में रुचि लें, क्योंकि एडवांस जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, उसका हमें सदुपयोग करना चाहिए, कहीं ना कहीं हम दुरुपयोग की ओर तो नहीं बढ़ रहे हैं। तो आप डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे, आप लगातार देखते आ रहे हैं, आपने वो सारी चीजें भी देखी हैं, और आज ये जो इंटरनेट का जमाना है ये भी आपने देखा है, आपने दिखाई है, क्या
तख्ती है, हमारे यहाँ तख्ती बोलते हैं उसको जिस पे आप लिखते हैं, तो हमने भी लिखी है वो प्राइमरी प्राइमरी स्कूल में। जी, आपने अच्छा सवाल किया सर पुनीत साहब। मैं वहीं से शुरू करता हूँ, आप प्रव्रजन पत्रिका से जुड़े हुए हैं। अब आप जी देखिए, पिछले पिछले कई दिनों में बहुत सारी पत्रिकाएं बंद हुई, और छोटी जी मोटी पत्रिकाएं बंद नहीं हुई, बड़ी बड़ी पत्रिकाएं बंद हुई, जी जी जो जिनका नाम था, मतलब बच्चों की पत्रिकाएं बंद हो गई, तमाम सारी जी 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 धर्मयुग साप्ताहिक हिंदुस्तान का आता पता नहीं है, जी माया का जी कहीं आता पता नहीं है, इंडिया टुडे तो जी गायब है, जी आपको किसी घर में देखेंगे नहीं। और एक दौर था जब जब ये चीजें पत्रिकाएं हर घर में दिखती थी, जी तो उसके बहुत सारे कारण है। पहला कारण तो ये है कि हम डिजिटल फॉर्मेट की ओर ज्यादा चले गए हैं, जी और जी दूसरा एक और बड़ा कारण है कि हम पढ़ने की संस्कृति अब कम होती जा रही है। बिल्कुल मतलब हम जो है शुरू से ही बच्चों के हाथ में डिवाइसेस दे दे रहे हैं, उनके हाथ में फोन दे दे रहे हैं, लैपटॉप दे दे रहे हैं, किताबें नहीं दे रहे हैं, और दूसरा जी हम खुद भी नहीं पढ़ रहे। जब हम खुद नहीं पढ़ेंगे तो दूसरे से कैसे उम्मीद करेंगे कि वो पढ़े। पहली बिल्कुल बिल्कुल सही बात। बात तो ये, तो पढ़ने की संस्कृति को विकसित करने के लिए एक पूरा मूवमेंट हमको चलाना होगा, एक आंदोलन पूरा चलाना होगा, और इसकी शुरुआत स्कूलों से होगी। स्कूलों में अच्छी लाइब्रेरी हो, रिच लाइब्रेरी हो, आकर्षक पुस्तकें हो, उनका कंटेंट बढ़िया हो, तो बच्चे आकर्षित होंगे, और उन पर बेस्ड कुछ एक्सरसाइज हो तो बच्चे जी आकर्षित होंगे। और शिक्षकों की इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, इस संस्कृति को विकसित करने में। मैं हमारे तमाम जो देश भर के शिक्षक साथी हैं उन सबसे अनुरोध जी करूंगा कि वो अपने निजी पुस्तकों से भी बच्चों को दें पढ़ने के लिए, और उनसे फिर एक हफ्ते बाद वापस लें और पूछें कि इसमें क्या अच्छा लगा, उसका समीक्षा करवाएं। समीक्षा करेगा तो वो बच्चा पढ़ के आएगा ना कि मुझे सर ने कहा, तो समीक्षा पढ़ करनी है इसकी, इसके बारे में पूछेंगे तो शायद कुछ पढ़ेगा। तो यहाँ से थोड़ा सा रुचि विकसित होगी, धीरे धीरे विकसित होगी, तो हो सकता है वो आगे अच्छा अच्छा पाठक बने, और अच्छा पाठक जो होगा वही अच्छा लेखक बन सकता है। बिल्कुल वही लेखक बन सकता है। तो जब हम 1,000 कविताएं पढ़ेंगे तब हम एक कविता ढंग की लिख सकते हैं। सही बात है, क्योंकि डॉक्टर जी साहब कार्यक्रम का जो समय है वो भी लगभग होने को है, तो मैं आपसे एक विषय पर और बात करना चाहूंगा। जैसे हमारी शिक्षा नीति है इस समय उत्तराखंड की, अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो हमारे बच्चे हैं उनको वो चीज पढ़ानी अनिवार्य होनी चाहिए जो हमारी संस्कृति से जुड़ी है। तो जो हमारे अब तक जैसे आंदोलनकारी रहे हैं या दूसरे लोग रहे हैं उत्तराखंड में, तो जो इतिहास, लेकिन वो आज उनकी जानकारी नहीं है बच्चों के पास में, या वो पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है, क्योंकि आप लगातार शिक्षकों पर काम कर रहे हैं, लगातार आप कार्यक्रम कर रहे हैं, शिक्षक क्या कहते हैं आपसे लगातार बात हो रही है, तो इस तरीके से कोई ऐसा बदलाव होने की जरूरत है शिक्षा नीति में, या हमारी जो पाठ्य पुस्तकें हैं स्कूलों में और जो जूनियर स्कूल हैं वहां, ऊपर की क्लासेज को छोड़ दीजिए। होना तो चाहिए पुनीत साहब, क्योंकि अगर हम अपनी जड़ों को नहीं जानेंगे, जैसे मैंने कहा मैंने तख्ती संभाल कर रखी है इसलिए कि मैं अपनी जड़ों को हमेशा याद रखूं कि मेरा मूल कहाँ है। अगर हम अपनी जड़ों को नहीं जानेंगे तो हम फिर खड़े नहीं रह सकते ना, बगैर जड़ का पेड़ कितनी देर रहेगा बताइए, एक ही हवा में गिर जाएगा। तो बिल्कुल बिल्कुल हमें जानना होगा किन लोगों ने हमारे लिए संघर्ष किया, क्यों संघर्ष किया, और उस संघर्ष का अंजाम क्या हुआ। जो सपनों का उत्तराखंड हमने सोचा था, मांगा था, जिसके लिए लड़े थे, क्या वो हमें मिला या कुछ और हो गया। तो इसके लिए पाठ्यक्रम में इन सब चीजों को शामिल किया जाना आवश्यक है, और धीरे धीरे बढ़ा भी। हमने प्राथमिक स्तर पर हमारे राज्य में गढ़वाली और कुमाऊनी को जो है एक सब्जेक्ट के तौर पर जो है शुरू किया गया है, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कुछ स्कूलों में, और अभी जो नई शिक्षा नीति आ रही है जो अभी लागू होनी है, और उसमें तो साफ साफ लिखा है कि भाई प्राथमिक शिक्षा केवल मातृभाषा में दी जाएगी, तो इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। भगवान करें कि वो शिक्षा नीति एज इट इज लागू हो जाए, क्योंकि तमाम तरह के बाधाएं भी आती हैं, तमाम तरह के विचारधाराएं हैं, राजनीतिक विचारधाराएं जो इन चीजों को रोकती हैं, अटकाती हैं, भटकाती हैं, लटकाती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस शिक्षा नीति की जो सबसे अच्छी बात है वो यही है कि जो शिक्षा का माध्यम है, खासकर प्राथमिक शिक्षा का, वो मातृभाषा हो। इससे हमारी भाषाएं बचेंगी, भाषाएं बचेंगी तो हम बचेंगे, हमारी संस्कृति बचेगी, तो देर सवेर ये और आगे बढ़ेगा, और ये जो हमारे राज्य आंदोलन की लड़ाई है खासकर, ये निश्चित रूप से पाठ्यक्रम में आएगी और आनी ही चाहिए।
ये निश्चित रूप से पाठ्यक्रम में आएगी और आनी ही चाहिए। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। अंत में चलते चलते आप कोई और संदेश देना चाहेंगे अपने उत्तराखंड के भाइयों को, तो जी, आप जी। मैं अपने मित्रों से कहना चाहूंगा, देखिए दो तीन बातें कहना चाहूंगा। जब भी आपको या आपके बच्चों को मौका मिले, उन्हें रंगमंच सीखने जरूर भेजिए। इससे उनके व्यक्तित्व जी का विकास होगा। उन्हें एक्टर बनाने के लिए मत भेजिए, उनके पर्सनालिटी में डेवलपमेंट के लिए भेजिए। थिएटर करिए और करवाइए। पहला मैं निवेदन ये करूंगा। दूसरा निवेदन ये करूंगी, पढ़िए और पढ़ाइए। किताबें, यूट्यूब, फेसबुक और ये ट्विटर वगैरह नहीं, ये तो इतनी जगह ठीक है, ये भी जरूरी है, इसके बिना भी आजकल गुजारा नहीं है। लेकिन किताबें जरूर जी पढ़िए, जी अच्छा साहित्य पढ़िए, अच्छा साहित्य पढ़वाइए। दूसरा, तीसरा मैं कहूंगा कि हम लोग लगातार इस मूवमेंट में काम कर रहे हैं। हमारी जो नाट्य संस्था है सेलनेट, उसके माध्यम से, हमारा जो जी जी यूट्यूब चैनल है विविधा, उसके माध्यम से, हमारा जो ये टीचर शो चल रहा है, इसमें हमने पूरे देश भर के हर राज्य के शिक्षकों को स्थान दिया है। आज शाम को दिल्ली के जी जी शिक्षक इसमें आएंगे, धर्मवीर जी जो जी मूर्तिकार हैं, जी जी विदेशों के शिक्षक जी भी जी इस शो में आ रहे हैं। और ये टीचर शो है, तो इसका ये मतलब नहीं कि केवल टीचर्स के लिए है, ये सबके लिए है। जी और इसमें आप इतना सीख जी सकते हैं कि जो अच्छी अच्छी जगह आपको नहीं मिलेगा। हमारे कमाल के टीचर इसमें आ रहे हैं सर, आप यकीन नहीं करेंगे, जिनके नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में है, जिनके नाम लेमका बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में है, जिनको पद्मश्री मिला है, जिनको राष्ट्रपतियों ने सम्मानित किया है। तीन तीन राष्ट्रपतियों ने एक ही शिक्षक को सम्मानित किया है। इतने भव्य दिव्य, इतने विराट व्यक्तित्व के स्वामी शिक्षक इस शो में हमारे आते हैं। तो उनसे हम सब सीख सकते हैं, केवल टीचर से नहीं, क्योंकि उनके पास इतना ज्ञान है, इतनी तरह की कलाएं हैं, इतने नवाचार हैं। तो मैं तो अभिभूत हूँ इस देश के शिक्षकों को देख करके। और मैं प्रतिदिन जब शो करता हूँ सर, तो मुझे अपनी लघुता का एहसास होता है कि इतने बड़े बड़े काम लोगों ने किए हैं, तो हम तो पता नहीं जी कहाँ थे जी अब बिल्कुल तक। तो सही उत्तराखंड के बात। देश के शिक्षकों से और बाकी सब लोगों से भी, शो को जितने भी हमारे सम्मानित दर्शक देख रहे हैं, उनसे भी अनुरोध है कि हमसे जुड़े रहें, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से। शाम को हम डेली 7 बजे टीचर शो में आते हैं, उसके माध्यम से। वैसे ही कहना चाहूंगा सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप लगातार इस तरीके से उत्तराखंड के लिए काम करते रहें, और जितने दर्शक हमें देख रहे हैं उन सभी का भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। तो मुझे दीजिए इजाजत। जय उत्तराखंड, जय भारत, और देखते रहिए पर्वत जल। जी धन्यवाद।